नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया मेथी का मुठिया बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक गुजराती डिश है। ये मुठिया जैसे गुजराती ही डिश है जिसका नाम है उंधियो। उंधियो में ये डाला जाता है, लेकिन आप सिर्फ उंधियो में ही डाल के नहीं खा सकते हो। जैसे हम लोग भजिया पकौड़ा पकौड़े किसी भी चीज़ का बनाते हैं ना, वो वैसा ही है। ये मेथी का बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है और टेस्ट अलग होगा। और उंधियो की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। आटा किन किन चीज़ों का चाहिए होता है, मैंने यहाँ पर 1/3 कप ले लिया है बेसन, नॉर्मल बेसन है, और 1/3 कप ही ले लिया है बाजरे का आटा, और यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है सूजी। बारीक सूजी हो या मोटी सूजी चलेगा। मैंने यहाँ पे सूजी क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने जो आटा लिया है गेहूँ का आटा 1/2 कप मैंने लिया है। तो या अगर मैं आपके पास लड्डू का दरदरा आटा जो आता है ना गेहूँ का वो हो तो आप वो यूज़ करेंगे, ये नॉर्मल आटा ना यूज़ करना, तब आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं होगी सूजी। अगर मैं दरदरा आटा लड्डू वाला नहीं है गेहूँ का, तो जो रोटी बनाते हो आप वही आटा ले लो मेरी तरह। 1/2 कप लिया है तो 1/4 कप मैंने इसमें सूजी डाल रही हूँ, तो बढ़िया एक टेक्स्चर और बैलेंस बन जाएगा। अब इन सबको उठा के हमें एक बाउल में हम डाल देंगे, बड़े से बर्तन में, जिसमें हमें बढ़िया एक डो रेडी करना है। उस तरह का बर्तन लेना जिसमें आराम से आप आटा गूंद सको। अब इसमें हमें डालना है, मैंने 1/2 टीस्पून ले रखा है ग्रीन चिली का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। अगर मैं पेस्ट नहीं डालना है आपको तो आप बारीक चॉप करके इसको डाल सकते हो या कद्दूकस करके आप डाल सकते हो। ये हम डाल देंगे इसमें। मसाले में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ इसलिए क्योंकि ग्रीन चिली का पाउडर डाला है, और 1/3 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/3 टीस्पून में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून सेसमी सीड तिल डाल दे रहे हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और प्लस डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर मैं अजवाइन नहीं डालना है आपको, इस जगह पे आप हींग थोड़ा सा डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नींबू का रस, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब यहाँ पे 1/3 टीस्पून हम शक्कर डाल देंगे, गुजराती डिश है ये तो शक्कर जाएगा। अगर मैं नहीं पसंद करते हैं आप तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, और इसी के साथ ही हम 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, बेकिंग सोडा हम डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ फ्रेश मेथी लिया है, ये हम डाल देंगे इसमें। मैंने यहाँ पर 1 कप भर के एकदम लिया है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून जितना डाल देंगे मोयम, तो मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल की हूँ। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बढ़िया एक बार मिक्स कर लेना है, फिर अगर मैं हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें बढ़िया डो बनाना है। जैसे हम रोटी का डो नहीं बनाते, बस उसी तरह से हमें इसका डो रेडी कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ड्राई ड्राई लग रहा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो रेडी करेंगे, और इसको हमें बहुत ज़्यादा गुनने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट 2-3 मिनट हम गुन लेंगे, 2 मिनट बस इनफ हो जाएगा। यहाँ पे डो बनकर रेडी हो गया है, हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। हमें इतना हार्ड डो चाहिए मुठिया बनाने के लिए। ये रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं अपने हाथ को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लिया है। अब अपने मन चाहे आकार का मुठिया हम बना लेंगे। अगर मैं आप उंधियों में डालने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा बनाना, और ऐसे खाने के लिए बना रहे हैं जैसे चाय वगैरह के साथ छोटे मुठे भूख में, तो आप थोड़े बड़े साइज़ का बना सकते हैं। तो मैं इतना बड़ा बड़ा मुठिया बना करके रेडी कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं मुठिया बना बना के दूसरे प्लेट में रखते जा रही हूँ, और इसमें जो मैंने बाजरे का आटा डाला है ना, अगर मैं आपके पास ना हो तो को स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना। यहाँ पे हमारा सारा मुठिया बनकर रेडी हो गया है। मुठिया सेकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल नहीं चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए, और हमें मीडियम आंच पे ही इसको सेकना है। एक बार में जितना मुठिया आएगा उतना हम डाल देंगे धीरे से। एक बार में जितना आएगा उतना मैंने डाल दिया है। अब इसको धीरे से हम
ऐसे स्पून की सहायता से थोड़ा इधर उधर कर देंगे। अभी हम पलटेंगे नहीं, अभी इसको एक साइड पर प्रॉपर सिक जाने देंगे, फिर उसके बाद पलटेंगे। अब इसको हम धीरे से पलट लेंगे। एक साइड एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम हाई पे कर दिया है। ये मुठिया हमारा बन करके रेडी हो गया है। हमें बस इतना ही गोल्डन ब्राउन करना है इसको। इसको अब हम निकाल लेंगे सारा मुठिया को। यहाँ पे हमारा एकदम गर्मा गर्म मेथी का मुठिया बनकर रेडी हो गया है। कितना अच्छा बना हुआ है और साइज़ में देख सकते हैं कितना बढ़िया फूला हुआ है। अच्छा, इसमें मीठा सोडा अगर मैं नहीं डालोगे ना तो भी चलेगा। इस तरह से आप लोग भी बना करके चाहे तो आप ऐसे चाय के साथ इंजॉय कीजिए, या तो आप उंधियों बनाकर उंधियों में डालकर खाइए। एक मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया एकदम फूल गया है ये, और अंदर तक एकदम अच्छा कुक हुआ है ये हमारा मुठिया। इसमें जो हमने शक्कर डाला है ना, ऐसा देख के कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं मीठा मीठा कैसा लगेगा। मैं बता दूँ आपको, शक्कर डालने से ना टेस्ट को इतना बढ़िया बैलेंस कर देता है ना, आप खाएंगे बिल्कुल भी मीठा आपको नहीं लगेगा, इवन टेस्ट और अच्छा लगता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।